यस, गुड मॉर्निंग। देखिए तो जो हमारा आज का टॉपिक है रीजनिंग का, हुआ है कोडिंग डिकोडिंग। अब आप कोई सा भी एग्जाम दो, जैसे लाइक एसएससी दे लो, बैंक दे लो, आप रेलवे का ले लो, ठीक है, या कोई भी जो स्टेट एग्जाम है उसमें इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हमको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो हमारे इससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं इससे क्या क्या बेसिक है। देखिएगा जो आपने अल्फाबेट पढ़े इंग्लिश अल्फाबेट के, इंग्लिश जो अल्फाबेट होते हैं उसमें 26 लेटर होते हैं। आपको ये बात पता है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसमें 26 लेटर होते हैं। तो आपको देखो, मैं लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल M N O P Q R S T U V W U V W X Y और Z, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। जो 26 जो अल्फाबेट होते हैं वो आपको पता है, ठीक है, ओके। लेटर होते हैं 26, वो आपको पता है, ठीक है। अब देखिए, अब इनकी कोड भी आपको पता होना चाहिए, इनकी जो नंबरिंग होती है आपको पता है, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25 और 26, ये तो हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट को क्या होता है, इनको याद करने में प्रॉब्लम आती है, इनको याद कैसे रखें वो भी मेरे पास ट्रिक है। देखिए, ए जो होता है, ए का जो नंबर होता है 1, ये आप याद रख लेंगे। बी का 2 होता है, ये आप सब याद रख सकते हैं। और जो सी होता है, उसका 3rd है, 3 होता है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। देखिए, जो डी है, इसका 4 होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है यहाँ से, ई से, ठीक है, ये 5 है, यहाँ से आपको प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, अब हम करते हैं, अभी आप ये 5 और 6 को छोड़िए एक मिनट, ठीक है। हम देखो जी को देखते हैं, देखिए जी देखते हैं, अब जी को लिखिए, जी, आप जी को ध्यान से देखो, जी के अंदर आपको 7 नजर आएगा, जी के अंदर ना, खुद ही देखो, ये से देखो, ये जी के अंदर क्या, इसे कुछ 7 छिपा हुआ है। तो देखो, इससे हम याद रख सकते हैं कि जी का जो कोड होता है वो क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, क्लियर है। देखो अब देखो एच को, देखो एच को, देखो एच, एच का कोड क्या है, 8 है। मैं इस एच को ऐसे लिख दूं, ऐसे घुमाओ, देखना ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमाओगे तो 8 की जैसे इसकी शक्ल आएगी, तो इससे अपन 8 याद रख सकते हैं, ठीक है। आई, अब आई को क्या, आई का क्या कोड है, देखिए आई, आई का कोड क्या, आई का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। अब देखना, अब आई हम बोलते हैं आई नो, आई नो, आई नो, इससे आप याद रख सकते हो, 9 नो नो, आई से नो, आई नो, ठीक है, ओके। जे को आपको छोड़ना है, देखिए के को देखिए, के देखिए, ये का क्या है, नंबर 11 है। अब हम जानते हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं जो ताप होता है, ताप का जो यूनिट क्या होती है, केल्विन, हम बोलते हैं केल्विन, क्या बोलते हैं, केल्विन, 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 और इंग्लिश, और 11 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 11, 11, 11, तो इससे आप याद रख सकते हो, कैसे याद रख, केल्विन, केल्विन, 11, 11, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है, ओके, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है बच्चों। देखिए अब क्या बचा आपके पास, ये हो गया, ये हो गया, एल को आपको छोड़ना है अभी, ठीक है। देखिए अब आप याद रखो, इसको भी छोड़ना है, इसको मैं अलग बताऊँ, ट्रिक पी, आप पी से याद रख सकते हो, देखो पी का क्या होता है, 16, ठीक है। अभी इसको कैसे याद रखोगे, प्रीति 16 की, कैसे याद रखोगे, प्रीति 16 की, क्या, प्रीति, प्रीति 16 की, किसकी, प्रीति 16 की। अब पी के बाद क्या आता है, क्यों, क्यों को कैसे याद रखोगे आप, क्यों 17 नखरे करती है, क्यों 17 नखरे करती है, तो क्यों का क्या हो जाए, 17, क्यों 17 नखरे करती है, क्यों 17 नखरा करती है। फिर आर को आपको छोड़ना है, आर को अलग ट्री बताऊंगा, एस, एस कैसे याद रखोगे, एस, एस का क्या, एस का क्या रखोगे, सुष्मिता, सुष्मिता 19 की, सुष्मिता 19 की, सुष्मिता 19 की, तो ऐसा कोड क्या हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कोड हमारा क्या जाएगा, 19 हो जाएगा, एस सुष्मिता 19 की, ठीक है। 20, ठीक है, टी, देखो टी, टी का क्या है, 20। अब देखो हम कहते हैं कि T20, देखो मैच देखते हो आप, तो कहते T20, यानी कि टी का 20 हो जाएगा। यू का क्या है, यू, यू देखिए,
21 यू का क्या है 21 है। देखिए यू का क्या है यू युवा युवा। 21 का क्या है भाई युवा क्या होता है 21 का हो गया, 21 हो गया तो बोर्ड देते हैं युवा, 21 का हो गया ठीक है। युवा क्या क्या 21 तो अब यू से याद रख सकते 21 ठीक है ओके हो गया ठीक है ओके यहाँ से समझ में आ गया आपको ठीक है ओके। देखिए अब हम देखते हैं कुछ और ट्रिक देखते हैं इसकी। देखिए आपको एक वर्ड याद रखना है क्या इजोटी क्या इजोटी। देखिए इजोटी आपको एक वर्ड याद रखना है इजोटी। देखिए इसे क्या है? आप और आपको क्या रहे फाइव की टेबल आपको फाइव का जो पहाड़ा होता है टेबल आता है वो याद रखनी है ठीक है। चलिए देखिए फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव फोर जा ट्वेंटी फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। अब आप इससे आसानी से याद रखते हो ई का क्या है ई का नंबर क्या है फाइव बिल्कुल है। जे का क्या है 10 हो रहा है इससे ठीक है। ओ का क्या है 15 यानी कि 15 ठीक है 20। वाई का क्या है देखो 25 ठीक है। इसे आप याद रख लोगे इजोटी क्या याद रखना है आपको इजोटी क्या रखना है इजोटी ठीक है ओके। एक और वर्ड इसी तरह से आपको याद रखना है क्या फल रक्स कौन सा रक्स फल रक्स क्या फल रक्स। देखिए अब आपको 6 की टेबल बोलनी है क्या बोलनी है 6 की टेबल क्या बोलनी है 6 की टेबल देखो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 ठीक है 6 4 जा 24 बोलो। इसे जो ऐप का कोड आप याद रख सकते हैं कि ऐप का कोड क्या होता है 6 होता है ठीक है ओके। जो L होता है वो 12 पे आता है ठीक है और जो R होता है 18 पे आता है ये हमें आसानी से याद हो रहा है। जो X हो रहा है वो 24 हो रहा है ठीक है इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो आपको इस पूरे के पूरे जो 26 अल्फाबेट है वो याद हो गए होंगे इस ट्रिक से ठीक है ओके। देखो ओके समझ में आया ठीक है आया समझ में ओके ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ और कंसेप्ट देखते हैं क्या आपको याद रखना है अपोजिट लेटर का कंसेप्ट कौन सा अपोजिट लेटर का। देखिए अपोजिट लेटर का क्या कंसेप्ट है देखिए मैं आपको समझाता हूँ अपोजिट लेटर। देखो जो अपोजिट लेटर का क्या कंसेप्ट है देखो अपोजिट लेटर देखिए मैं आज आपसे कहता हूँ कि आप बी का कोड बताओ बी का नंबर बताओ। सोचो आप बी का नंबर यूं करो सर इधर से यानी कि राइट साइड से देखो जो बी है इसको आप नंबरिंग करो कहाँ से राइट साइड से इधर से राइट साइड से करो आप कितना आएगा 2 पे आएगा ओके। अब तुरंत जेड तो लिखा नहीं ना मैंने 26 ओके। देखिए अब मैं कहता हूँ कि आपको जो क्या बोलते हैं कि आपको इधर से लेफ्ट साइड से आपको बी का कोड कर बी को काउंट करना है कितना आएगा देखो करो कितना आएगा ये 25 पे कितना आ रहा है ये 25 पे आ रहा है ठीक है ओके। सोचो एक ही नंबर का बी का लेफ्ट और राइट से जो नंबरिंग क्या है डिफरेंट है अगर हम इन दोनों का सम करें क्या करें दोनों का सम करें तो क्या आता है 27 नजर आता है। बस यही कंसेप्ट है कि एक लेटर का लेफ्ट और राइट से जो सम होता है वो 27 होता है ठीक है। लेफ्ट और प्लस राइट से जो इनका सम होगा वो 27 होगा ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है जैसे मुझे सपोज करो ऐप क्या आ रहा है देखो ऐप अगर मैं राइट साइड से ऐप का नंबर करता हूँ तो 6 आता है। देखो जो हमारा ऐप है वो राइट साइड से क्या आ रहा है 6 आ रहा है ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 6 लिखें तो सर लेफ्ट साइड से निकाल सकते हैं ओके। तो कितना आ जाएगा बताइए मुझे 21 आ जाएगा ठीक है ओके। यानी कि ये जो ऐप है वो राइट साइड से तो क्या है 6 नंबर पे अगर लेफ्ट साइड से बात करें तो 21 नंबर पे है ठीक है ओके। देखिए इस तरह से तो क्या सर हमें इस तरह से करना है नहीं मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताता हूँ। देखिएगा ट्रिक देखिए देखिए आपको क्या याद रखना है देखो ट्रिक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओके। देखिए जो ए है ए
ए के अपोजिट क्या है, जेड होगा। ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। और जेड के अपोजिट क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और बी के अपोजिट क्या होगा, वाई होगा। वाई के अपोजिट बी होगा। सी के अपोजिट एक्स होगा, एक्स के अपोजिट सी होगा, ठीक है। यहां तक तो आपको ध्यान रखना कि अपन को पता ए के। अब यहां से मैं ट्रिक स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। डी के अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू। याद कैसे रखोगे, दूध वाला। कैसे याद रखोगे, दूध वाला। कैसे याद रखोगे, दूध वाला, ठीक है। देखिए ई है, ई के अपोजिट क्या होगा, अभी आपको छोड़ना है इसको, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एफ है, एफ के अपोजिट क्या होगा, यू। क्या होगा, यू। याद कैसे रखेंगे, फालतू। क्या, फालतू, फालतू। क्या, फालतू। क्या याद रखोगे, फालतू, ठीक है। जी के अपोजिट क्या होता है, टी। क्या होता है, टी। याद कैसे रखोगे, गवर्नमेंट टीचर। क्या, गवर्नमेंट टीचर। याद कैसे रखोगे इसको, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। एच के अपोजिट क्या होता है, एस। क्या होता है, एस। याद कैसे रखोगे, हाई स्कूल। कौन सा स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है, ओके। आई के अपोजिट क्या होता है, आर। याद कैसे रखेंगे, इंडियन रेलवे। कौन सा रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है बच्चों। जे के अपोजिट क्या होता है, क्यू। जे के अपोजिट क्या होता है, क्यू। याद कैसे रखोगे, जैकलिन। क्या, जो एक्ट्रेस है हमारी, जैकलिन। क्या याद रखोगे, जैकलिन, ठीक है, जैक क्यू, ओके। के अपोजिट क्या होता है, पी। याद कैसे रखेंगे, काला पानी। काला पानी सजा सुनिए आपने, काला पानी सजा सुनिए, वही काला पानी, ठीक है, ओके। एल को आपको छोड़ना है, ठीक है। एम के अभी इसको बाद में बताते हैं। एम को कैसे याद रखोगे, मैन, 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 ठीक है, ओके, ओके। अभी जो मैंने दो डब्बे छोड़े हैं उसको कैसे याद रखेंगे, आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, लव। एल, लव, एल ओ वी, लव, ठीक है, ओके। देखो अब आपको क्या बना है, पेड़ बना लेने, दो दो के पेड़ बना लेने, ठीक है, ओके। देखो अब देखो पेड़ बन गया, तो यहां से देख सकते हो आपकी जो एल और वी एक दूसरे के अपोजिट है। एल और वी क्या, एक दूसरे के अपोजिट है। तो बताओ यहाँ एल के अपोजिट क्या होगा, ओ। ओ के अपोजिट क्या होगा, एल, ठीक है। अब यहां देखो ई के अपोजिट क्या होगा, वी। वी के अपोजिट क्या होगा, ई। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है, ओके। आपने देखो आपने एक वर्ड और सुना है, क्या, शर्ट। क्या, शर्ट सुना है आपने, शर्ट, एस एच आई आर टी, ठीक है। तो ये सही आपको ध्यान रखना है, शर्ट जी, शर्ट, एस एच आई आर, शर्ट जी, ठीक है। जैसे पार्ले जी होता है ना, जैसे पार्ले जी होता है, तो इसे आपको शर्ट, शर्ट जी याद रखना है। देखो अभी पेयर बनाना, दो दो के पेयर बनाने, देखो ये, देखो ये, देखो, ठीक है। देखो एस के अपोजिट क्या आ रहा है, एच। एस के अपोजिट क्या आ रहा है, एच। एच के अपोजिट क्या आ रहा है, एस आ रहा है। देखो कैसे, ये देखो यहां से देख रहा हूं, देखते हो। आई के अपोजिट क्या आ रहा है, आर। आर के अपोजिट क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है, ओके। टी के अपोजिट क्या आ रहा है, जी। जी के अपोजिट क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ओके। तो इस जो वीडियो में हमने केवल बेसिक डिस्कस किया इसका, ठीक है। हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसके जो क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।